हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका जो पार्ट थ्री है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट वन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड पार्ट टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पार्ट थ्री जो है दैट इज कंडक्शन कंडक्शन इन सॉल्यूशन। ये मैंने थोड़ा स्पेसिफाई किया है कंडक्शन इन सॉल्यूशन। बेसिकली वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्शन। वन टेक प्लेस इन मेटल एंड अनदर टेक प्लेस इन सॉल्यूशन। नाउ इन केमिस्ट्री वी आर इंटरेस्टेड इन कंडक्शन इन सॉल्यूशन। मेटल में जो कंडक्शन होता है वो तो हमें फिजिक्स वाले आपको पढ़ाते हैं। फिजिक्स में भी ये टॉपिक आपको मिलेगा, ये वर्ड मिलेंगे, यूनिट, ये सब मिलेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि सर ये तो हमने पढ़ लिया। फिजिक्स में आपने जो पढ़ा है दैट इज बेस्ड ऑन मेटल मेटालिक कंडक्शन लाइक दिस। ओके, केमिस्ट्री में हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कंडक्शन इन सॉल्यूशन। क्योंकि जो सेल होते हैं उसमें दो टाइप के सर्किट मैंने बताई थी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल सर्किट मेड अप ऑफ मेटल व्हाइल इंटरनल सर्किट मेड अप ऑफ सॉल्यूशन। तो एक क्लियर होना चाहिए। तो कंडक्शन जो आपको सॉल्यूशन में पढ़ना है उसके फोर कैटेगरी है। फर्स्ट दैट इज जी व्हिच इज नोन एज ओनली कंडक्शन। सेकंड दैट इज के स्पेसिफिक कंडक्शन। और लैम्डा एम दैट इज मोलर कंडक्टेंस एंड लैम्डा इक्यू दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्शन। तो सॉल्यूशन का जो कंडक्शन है उसकी फोर कैटेगरी है। जैसे कंसंट्रेशन की 10 मेथड है वैसे कंडक्शन की 4 मेथड है और सबके बीच में रिलेशन है। तो एक रिलेशन आपको इन दोनों के बीच में पढ़ना है, एक रिलेशन आपको ए बी पढ़ना है। नई टेक्स्ट बुक में लैम्डा इक्यू मेंशन नहीं किया है, फिर भी हम पढ़ लेंगे। ओके, अब कंडक्शन पढ़ना है, सॉल्यूशन की बात करेंगे स्पेसिफिकली। तो सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा। कंडक्शन पढ़ते हैं लेकिन सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस पढ़ना होता है। तो रेजिस्टेंस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सबको पता है क्योंकि आपने मेटल का रेजिस्टेंस पढ़ाई है। सो इन केस ऑफ सॉल्यूशन रेजिस्टेंस ड्यू टू आयंस, मैं पॉइंट लिख रहा हूँ पैम्पलेट जो नोट्स मैंने दिए उसमें इसे मेंशन किया है, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लो। रेजिस्टेंस इन सॉल्यूशन ड्यू टू आयंस देन रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय आर यूनिट दैट इज ओम, ये भी आपको पता है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपने शायद फिजिक्स में सुना होगा। ओके, जो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है वो भी हम व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बनाएंगे उसमें से आपको पता चल जाएगा। ओके, सो दिस इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट रेजिस्टेंस। आप बोलोगे सर आयन तो कंडक्टेंस के रिस्पॉन्सिबल है। यस, गुड क्वेश्चन। जो कंपोनेंट कंडक्शन देता है वही कंपोनेंट रेजिस्टेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आयन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस, ये भी क्लियर होना चाहिए, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सेकंड सेकंड जो वर्ड है दैट इज रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी एंड दैट इज रो। अब आपने मेटल में ऐसा पढ़ा है, सपोज दिस इज अ मेटल वायर हैविंग लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये आपको पता है कि नहीं? ओके, और मेटल में आपने इतना पढ़ा है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, inversely proportional to A, therefore R proportional to L by A, therefore R is equal to rho L by A.
constant and which is known as resistivity. ये आपने पढ़ा है, ओके? तो आप बोलोगे सर ये तो मेटल के लिए है, we are interested in solution. तो solution में भी same constant है. Solution में भी जो resistance होता है, that is directly proportional to L. Now question is, what is the meaning of L in solution? For example, this is electrolytic cell like this. ऐसा cell होता है कि नहीं? This is anode and this is cathode. So in case of solution, keep it in mind. In case of solution, what is the meaning of L? So in case of solution, meaning of L, this is distance between anode and cathode. तो इसका मीनिंग हुआ एनोड और कैथोड के बीच में जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा. क्लियर? इसलिए सर ऐसा क्यों? फॉर एग्जांपल मोल्टन NaCl है, Na+Cl-. वी नो इन इलेक्ट्रोलिसिस Cl- अंडरगोस ऑक्सीडेशन, बट फॉर दैट रिएक्शन Cl मस्ट रीच on the surface of anode. तो Cl- को anode तक जाना पड़ेगा. अब मान लो कि anode बहुत दूर है, तो Cl- को इतना distance ज़्यादा cover करना पड़ेगा. जितना distance ज़्यादा cover करना पड़ेगा, बीच में दूसरे ions उसके साथ collide करेंगे, and that create resistance. Okay? Same problem happened for Na+ also. Na+ को reduce होना है. कैथोड पे जाना पड़ेगा, सरफेस पे जाना पड़ेगा, वहां भी डिस्टेंस ज्यादा है तो उसको भी दिक्कत होगी. तो नॉर्मली इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, जितना हो सके उतना एनोड और कैथोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कम रखते हैं. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. आपके घर में जो लेट स्टोरेज सेल है, पापा के जो कार है उसमें व्हीकल में बैटरी है, वो देख लेना एक बार. ओके? उसमें एनोड कैथोड, एनोड कैथोड बहुत सारी प्लेट्स होती है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वहां भी प्लेट होती है, लेकिन दो प्लेट के बीच में आप देखना डिस्टेंस कम होगा, इससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है और आपको जो इफेक्ट मिलती है वो अच्छी मिलती है. ठीक है? सेकंड ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? ए का मीनिंग होता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड दैट डीप इन सॉल्यूशन. जितना हो सके उतना इलेक्ट्रोड का जो एरिया है वो सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आना चाहिए. जितना ज्यादा कांटेक्ट में आएगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और कम एरिया आएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. तो इंडस्ट्री वाले ट्राई क्या करेंगे, जितना हो सके उतना इलेक्ट्रोड को डीप करना है इन सॉल्यूशन. ठीक है? तो जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तब ये टर्म क्या है वो क्लियर होना चाहिए. ओके? एल मींस डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड ए एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद सॉल्यूशन. क्लियर? नाउ यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो, रो का यूनिट क्या होगा? तो रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल. रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल. आर का यूनिट क्या है? ओम. ए का मीटर स्क्वायर और एल का मीटर, सो ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर, आप लिख सकते हो. क्लियर? तो कंडक्शन आपको पढ़ना है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टिविटी क्या है वो क्लियर होना चाहिए. और एक फॉर्मूला में आपने एल वन लिया और ए वन लिया, वन मीटर स्क्वायर और ए मीटर लिया, सो इन दैट केस आर इज इक्वल टू रो, वेयर आर इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑल्सो. ओके? तो इतनी इंफॉर्मेशन पहले आपके पास होनी चाहिए. ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. वी आर इंटरेस्टेड इन कंडक्शन. तो ये सब जो पॉइंट्स थे वो रेजिस्टेंस के थे, लेकिन कंडक्शन से पहले आपको रेजिस्टेंस क्या है वो पहले क्लियर होना चाहिए. ओके? चलो कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है. सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडक्शन. सो द फर्स्ट कंडक्शन दैट इज जी. ओके? सो द फर्स्ट वन That is a conduction है और इसका सिंबल है. ओके. उसके लिए क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल है. G that is equal to 1/r. It means inverse of R. Inverse of R that is called conduction.
conduction and that is G. Okay, now we need, अब इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ G, तो आपका यूनिट तो ओम है, तो इसका यूनिट होगा ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? मो, ऐसा भी बोल सकते हो मो। और दूसरा यूनिट है साइन, इसका सिंबल एस है और ये यूनिट एसआई है। किसमें है? एसआई। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कंडक्शन, बस इतना ही अभी करना है। मतलब कंडक्शन फाइंड करना है तो पहले सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड कर दो विद द हेल्प ऑफ ब्रिज, और वो जो वैल्यू आ रही है उसका इनवर्स ले लो, दैट इज इक्वल टू जी। सेकंड जो है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसका सिंबल है की, और एक की वर्ड कहां से आया? तो टेक्स्ट बुक में लिखा है, ग्रीक वर्ड है कप्पा, वहां से की वर्ड आया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आपको पता होना चाहिए। ओके चलो, अब के भी किसका इनवर्स होगा? तो 1 अपॉन रो, इसका मीनिंग हुआ रेजिस्टेंस का जो इनवर्स होता है दैट इज जी, और रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स है दैट इज के। अब इसका यूनिट भी सिंपल हो जाएगा, मुझे बताओ रो का यूनिट क्या था? ओम इनटू मीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मींस मो इनटू मीटर इनवर्स, एस इनटू मीटर इनवर्स, एस इनटू सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऑल आर यूनिट्स ऑफ के, और के बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको यूनिट से पता चलेगा कि वैल्यू कंडक्शन की है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की है, तो क्लियर होना चाहिए। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। ये भी यहां पे लिख देता हूं। चलो, अब पहले दो मेथड आपके सामने हो गए, जी और के। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का रिलेशन होगा। जैसे कंसेंट्रेशन में हम पहले मोलारिटी पढ़ते हैं, मान लो बाद में नॉर्मलिटी पढ़ते हैं, और उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। तो यहां पे रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जी एंड के, रिलेशन बिटवीन जी एंड के। तो सबसे पहले हमारे पास आर की फॉर्मूला होनी चाहिए, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। क्लियर, रो को यहां पे ले लो दैट इज 1 अपॉन रो, आर को वहां पे ले जाओ दैट इज 1 अपॉन आर, और एल बाय ए इज दिस। नाउ सी, 1 अपॉन रो मींस व्हाट? 1 अपॉन रो दैट इज के, एंड 1 अपॉन आर दैट इज जी। सो के इज इक्वल टू जी, और जो एल बाय ए है इसको बोलते हैं जी स्टार। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस, के इज इक्वल टू जी इनटू जी स्टार, वेयर where G star is equal to L by A, and L by A is known as cell constant. इसको बोलते हैं cell constant. तो cell constant एक नया टर्म आपके सामने आ रहा है, और cell constant है that is the ratio of L and A. अब कोई भी इसको cell constant क्यों बोलते हैं? तो simple एक logically आप सोचो, कोई भी industry वाले जब पहले cell बनाएंगे, electrolytic cell particular, तो उसमें एनोड और कैथोड का जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स कर देते हैं। तो एल आपका फिक्स हो गया, ओके। बाद में वो मार्किंग भी करेंगे कि चलो ये सेल है, यहाँ तक मार्किंग है, मतलब यहाँ तक हमें सॉल्यूशन फिलअप करना है, और एनोड कैथोड का इतना एरिया हमें डिप करना है। तो ए जो है एरिया दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो कंपनी वाले हर बार क्या चेंज करेंगे? सॉल्यूशन का टाइप चेंज करते जाएंगे, लेकिन लेवल और ये सब फिक्स रखेंगे। देयरफॉर दिस टर्म इज नोन एज सेल कांस्टेंट, एंड दिस इज फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर सेल, नॉर्मली वो लोग चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो सेल कांस्टेंट को फिक्स बोलते हैं, दैट मतलब हर एक सेल का फिक्स होता है। अब सेल कांस्टेंट नया टर्म आपके लिए, लेकिन बहुत सिंपल है। इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट है मीटर, और इसका है मीटर स्क्वायर। तो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर दैट इज मीटर इनवर्स, तो मीटर इनवर्स का यूनिट हो जाएगा। ओके, तो वो भी आप लिख सकते हो। सेल कांस्टेंट फाइंड करने की दो मेथड है। पहली मेथड बहुत सिंपल है, विद हेल्प ऑफ एल एंड ए, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस आप मेजर कर दो, एरिया चेक कर लो, दैट इज एल अपॉन ए। बट दिस मेथड इज नॉट रिलायबल।
ओके मतलब वो ट्रस्टेड मेथड नहीं है, तो दूसरी एक मेथड है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ केसीएल। वो केसीएल का जो सॉल्यूशन है उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं और इसके बेस पे सेल कांस्टेंट को आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, तो एक कांसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो जी एंड के ये दोनों कंप्लीट आपके हो गए, कंडक्शन 1/r और स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1/ρ, और इन दोनों के बीच का रिलेशन भी है K = g into d star। एमसीक्यू लेवल पे कैसे यूज करना है वो बाद में मैं कंक्लूजन आपको दिखाता हूं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं लास्ट टू कंडक्टेंस, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लैम्डा इक्यू सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलो नंबर थ्री दैट इज मोलर कंडक्टेंस और सिंबल है उसका लैम्डा एम। आप बोलोगे सर लैम्डा ऐसा थोड़ी होता है, ये ग्रीक लैम्डा है, ए हमारा जो लैम्डा होता है वो इंडियन लैम्डा है। ठीक है, चलो अब हम कहां तक पहुंच गए, अप टू के तक हम पहुंच गए। अब सॉल्यूशन होता है उसका कंसेंट्रेशन भी होता है इन डिफरेंट यूनिट। नॉर्मली हम मोलारिटी और नॉर्मालिटी यूज करते हैं, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को मोलारिटी से आप डिवाइड कर दो, दैट इज लैम्डा एम। ओके, अब यूनिट में गड़बड़ क्या होगी, देखो के जो है वो मैंने सपोज एस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स में लिया। ओके, मोलारिटी का यूनिट सबको पता होता है मोल पर लीटर। अब ये लीटर है उसको मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो सबको पता है 1 liter = 10^3 सेंटीमीटर क्यूब रहता है, तो मोल पर लीटर को मुझे मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ए सेंटीमीटर क्यूब जाएगा ऊपर। ठीक है, तो फाइनली सेंटीमीटर क्यूब ऊपर रहेगा, तो मुझे बताओ फाइनल यूनिट कैसे बनेगा। तो फिर से एस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोल और सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको जाना है तो 1000 लेना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे 1000 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो फाइनल ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे के इंटू 1000 ले लेते हैं, और यूनिट जो हो जाएगा यूनिट वो एस एक कट हो जाएगा ना, एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ए होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के बेस पे आप देखोगे तो ए यूनिट आप कर गया के इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी है, तो ए यूनिट के बेस पे ए फॉर्मूला होगा। दूसरी भी एक फॉर्मूला आप देख सकते हैं के अपॉन एम इंटू 1000, आपने 1000 नीचे लिखा तो इसका रेट क्या होगा एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 liter = 10^-3 m³ होता है। ओके, तो वहां पे 1000 नीचे आएगा, तो आपको कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है वो डिपेंड करता है कि लैम्डा एम का यूनिट क्या दिया है। यदि ये यूनिट के बेस पर आपको वर्क करना है तो ये फॉर्मूला है 90% को ये यूनिट चलता है एस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1000 का रहेगा ऊपर, लेकिन ये यूनिट में दिया हो तो 1000 का रहेगा नीचे रहेगा, ये फैक्ट है। Clear? तो इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। उसके बाद जो नंबर फोर है दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये बुक में है ना फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इसका सिंबल है लैम्डा इक्यू। चलो सिंपल, के जो है उसको नॉर्मालिटी से डिवाइड कर दो इनटू क्या कर दो 1000 ऊपर लिखा है, तो इसका यूनिट क्या होगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की जगह पे ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। दूसरी फॉर्मूला लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू के अपॉन एन इंटू 1000 और इसका यूनिट क्या होगा एस मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। मोलारिटी का मीनिंग होता है मोल पर लीटर और नॉर्मालिटी का मीनिंग होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो
तो इस बेस पे हम यूनिट लिख सकते हैं, तो ये दो कंडक्टेंस भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे जी और के में मीडिएटर कौन था, जी स्टार, वैसे ही लैम्डा एम और लैम्डा क्यू उसमें भी एक मीडिएटर है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। अब रिलेशन आएगा और ये रिलेशन आपने आगे पढ़ा हुआ है, नॉर्मलिटी मोलरिटी जैसा ही है। सो रिलेशन रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा क्यू। ओके, तो सबसे पहले लैम्डा क्यू की फॉर्मूला के अपॉन एम, तो 1000 यहां पे लिख देता हूं सेंटीमीटर में। ओके, नाउ के इनटू 1000, नॉर्मलिटी मींस मोलारिटी इनटू एबीबी। ओके, सो कंसीडर दिस पार्ट, सो लैम्डा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन एबीबी, देयरफॉर लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा क्यू एबीबी, ये फार्मूला है। ओके, ऐसे फॉर्मूला हमने आगे कंसेंट्रेशन में लिखी थी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एबीबी। तो नॉर्मलिटी वाले मेथड देखो यहां चली गई, मोलारिटी वाले मेथड यहां चली गई, दोनों क्रॉस में आ गई फार्मूला, तो दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए। ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा क्यू। तो कंडक्शन जो हमारा है, कंडक्शन उसमें टोटल 4 मेथड है। ओके, अब चारों मेथड जो है वो सीक्वेंस में आपको याद रखनी है, जी के लैम्डा एम और लैम्डा क्यू, या लैम्डा क्यू या लैम्डा एम, ये दोनों इंडिपेंडेंट हम लिख सकते हैं। के को एन से डिवाइड किया तो लैम्डा क्यू, और के को एम से डिवाइड किया तो लैम्डा एम, लेकिन इन दोनों के बीच का रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। अब एग्जाम में ये चारों मेथड का एक पूरा जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, और ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप कोई भी एमसीक्यू आराम से सॉल्व कर सकते हो। एंड कंक्लूजन लाइक स्टेयरकेस, एक सीरीज में आपको बता रहा हूं, दैट इज कंडक्शन, कंक्लूजन के बेस पे। तो पूरे टॉपिक का देखो कंक्लूजन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं एक स्टेयरकेस बना रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर से स्टार्ट करेंगे। आर क्या है, दैट इज अ रेजिस्टेंस, तो जो रेजिस्टेंस है उसका हमें इनवर्स लेना है, दैट इज 1/r, और 1/r को क्या बोलते हैं, जी। तो फर्स्ट कंडक्शन आपका आ गया, दैट इज जी। ओके, उसके बाद आपको याद रखना है जी इंटू जी स्टार करना है, जी इंटू जी स्टार दैट इज के, क्या है, जी इंटू जी स्टार दैट इज के। ये जो के आया है उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मलिटी से डिवाइड कर दो, तो सबसे पहले मान लो कि लैम्डा इक्यू, सिलेबस में मैंने फिर भी लिख दिया, मैंने इस पर डायरेक्ट लैम्डा एम के लिख सकते हो, मोलर डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर भी आगे बढ़ते हैं कि लैम्डा इक्यू है उसको मैंने एबीबी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मुझे मिल गया लैम्डा एम, क्लियर। तो कंडक्शन के चारों टाइप इसमें आ गए, अभी भी दो स्टेप है, तब स्पेस छोड़ देना दो स्टेप की, वो दो स्टेप जब मैं कंप्लीट करवा दूंगा तो पार्ट 3 आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, तो यूनिट के साथ याद रखो, आर का यूनिट क्या होता है सबको पता होना चाहिए, ओम। जी का यूनिट होता है ओम इनवर्स, ओम इनवर्स मींस एस। के का यूनिट होता है एस इनटू सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर में ले जा रहे, लैम्डा क्यू एस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, और लैम्डा एम एस सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पे ओम इनवर्स, क्लियर। तो इस बेस पे हम यूनिट लिख सकते हैं। तो कंडक्शन की चारों मेथड आज मैंने आपको करवा दिए। अगेन आई रिपीट, वी आर इंटरेस्टेड इन कंडक्शन इन सॉल्यूशन, टेक्स्ट बुक में थोड़ा कंडक्शन इन मेटल के बारे में भी लिखा है। ओके, इट मींस मेटल इन कंडक्शन, तो वो भी मैं थोड़ा आइडिया दे दूं। मेटल में जो कंडक्शन होता है दैट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, पता होना चाहिए। मैटेलिक कंडक्टर्स में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड, टेम्परेचर या आपने बड़ा है, एंड थर्ड स्ट्रक्चर, पीसीसी एफसीसी व्हाटएवर। तो मेटल का स्ट्रक्चर कौन सा है, इस केस में भी कंडक्शन को इफेक्ट होती है। टेम्परेचर के बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और कंडक्शन डिक्रीज होगा।
उसके बाद जो मेटल में कंडक्शन होता है, मतलब सॉलिड में जो कंडक्शन होता है उसमें तीन कैटेगरी है, मेटालिक कंडक्टर मतलब गुड कंडक्टर, बेड कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। मेटल अलॉय ये सब गुड कंडक्टर में आते हैं, ग्रेफाइट भी थोड़ा आप उसमें लिख सकते हो, सेमी में कौन आएगा वो भी आपको पता है, सिलिकॉन डोप सिलिकॉन है सब, और कुछ सुपर कंडक्टर भी होते हैं। सुपर कंडक्टर मतलब केमिस्ट्री में चार कंडक्टर होते हैं, एक गुड कंडक्टर, बेड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर और एक फिर बस कंडक्टर, वो सिलेबस के लिए। सुपर कंडक्टर का मीनिंग होता है रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो, और रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी तो कंडक्टिविटी हो जाएगी इनफाइनाइट, वो नॉर्मल टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं है, और उसके लिए टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। तो 0 to 15 केल्विन में भी कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को अचीव करते हैं, और कुछ सिरामिक्स होते हैं वो 150 केल्विन तक सुपर कंडक्टिविटी हमें दे सकते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है, आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए। क्लियर? वी आर इंटरेस्टेड इन कंडक्शन इन सॉल्यूशन, बस एक क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आज मैंने पार्ट 3 का इंट्रोडक्शन कर दिया है, कंडक्शन के 4 टाइप्स के बारे में आपको बता दिया है, मीडिएटर बता दिया कौन सा मीडिएटर कहाँ पे यूज करना है, यूनिट मैंने बता दिया आपको, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टर पे आने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्शन इन सॉल्यूशन। ओके, तो उसमें 4-5 फैक्टर्स होंगे, उसमें से 2 या 3 फैक्टर हम डिटेल में पढ़ लेंगे, तो ये पार्ट 3 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने पार्ट 1 में फैक्टर ही पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल पोटेंशियल, पार्ट 2 में भी हमने फैक्टर ही पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट, तो वैसे ही यहाँ पे पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्शन इन सॉल्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा वो होगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।